गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे अभी त्रिकोणमितिक। तो त्रिकोणमितिक में हम लोग अभी स्टडी करेंगे बेसिक से लेके हाई लेवल तक, हम लोग सब कुछ एक एक चीज समझेंगे, एक एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, फिर जाके जितना भी क्वेश्चन हो मैं आप लोगों को कराऊंगा। ओके, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ बेसिक से। आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को एक एक चीज समझना होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो डायरेक्टली आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, फिर जाके मैं मेरा नंबर आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग डायरेक्टली कॉल करके मुझे पूछ सकते हो उसके बारे में। तो आप लोगों को वीडियो पूरा अंत तक देखना है, एक वीडियो को स्किप ना करके आप लोगों को पूरा देखना है वीडियो, तो फिर जाके आप लोगों को सभी चीज अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो मैं फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम मैं करवा रहा हूँ इसलिए क्योंकि त्रिकोणमितिक में जब स्टार्ट करेंगे आप लोग तभी इसका ही जरूरत होगा, इसलिए मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि पाइथागोरस ने बोला कि सम ऑफ ए बी प्लस सम ऑफ बी सी इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ए सी। प्लस सम ऑफ बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज एस सी स्क्वायर। तो आप लोगों को ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को आप लोगों को याद रखना है। अगर मान लो आप लोगों को बी सी का वैल्यू 3 और ए बी का वैल्यू 4, तो बी सी का वैल्यू 4 दिया और एस सी का वैल्यू दिया कितना 3, तो आप लोगों को फाइंड आउट करना है क्या एसी। तो एसी वैल्यू आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एसी का वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में कहता क्या होता है, एसी इज इक्वल टू व्हाट फाइंड आउट करना है हम लोग को, ए बी इज व्हाट 4 और बी सी इज इक्वल टू 3। तो ये आप लोग इस फॉर्मूला को यूज कर लो यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस यूज करने से क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर मीन्स व्हाट, ए सी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज व्हाट, ए बी स्क्वायर इज 4 मीन्स 4 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज व्हाट, बी सी स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, फिर एस इज एस सी 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, एस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, फिर एस सी इज इक्वल टू रूट ओवर 25, फिर एस सी इज इक्वल टू 5। तो जिस भी बच्चे को आप लोग को पाइथागोरस नहीं आता है तो आप लोग हमें एक एक लाइन, जैसे कि मैं इस लाइन को भी स्किप कर सकता था, तो एक दो लाइन मैं स्किप कर सकता है इसमें, बट मैंने स्किप नहीं किया, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। नेक्स्ट में मान लो आप लोगों को दिया गया कि एस सी का वैल्यू दिया गया आप लोगों को मान लो
5 और इसका वैल्यू 3। तो आप लोगों को फाइंड आउट करना है क्या, AB। तो आप लोगों को AB फाइंड आउट करना है, फिर यूजिंग कीजिए इसको। इसको यूज करने से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, AB स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, AC स्क्वायर इज 25, AB इज AB स्क्वायर प्लस 9। फिर इस चीज को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं, AB स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 को हम इधर लेके जाते हैं, फिर जाके AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज 16। AB is equal to root over 16, AB is equal to 4 square, root and square is cancel, AB is equal to 4, तो AB is 4। तो इस तरह से आप लोग किसी भी क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि इसका वैल्यू अगर नहीं होता फिर सेम फॉर्मूला यूज कीजिए, इसका भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसका पाइथागोरस का थ्योरम इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि त्रिकोणमितिक में आप लोग को अभी मैं फॉर्मूला कराऊंगा, इसमें देखेंगे आप लोग इसका यूज होता है। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में आप लोगों को फर्स्ट चीज की जो कि है एक लाइन याद रखना है आप लोगों को, जिस लाइन से आप साइन का वैल्यू कोस का वैल्यू फिर जाके सेक टेन कॉट सबका वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, सब चीज का वैल्यू आप लोग इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जैसे कि एक लाइन है जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, आप लोग को याद कैसे रखेंगे आप लोग, इसका एक लाइन है जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद।